हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा नाज़दीन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग लेके आई हूँ आपके लिए। तो आज मैं कोई कुकिंग की वीडियो नहीं डालूंगी, ना ही कोई और चीज़ की डालूंगी। आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सा गुड न्यूज़ देने वाली हूँ, या वो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है, एंड आई होप आप लोगों के लिए भी होगा। तो आज मैं बताने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी के बारे में। आई एम प्रेगनेंट, यस। तो मैं बहुत ज़्यादा बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ। ये हर एक लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए, हर किसी के लिए होता है। जब इस सिचुएशन पे आती है लेडीज़ कि उसे मालूम पड़ता है कि वो प्रेगनेंट है, तो बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ का बहुत ही हैप्पी डे होता है। तो मुझे भी नहीं मालूम था एक्चुअली क्या है, ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है, तो बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी फर्स्ट है, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। कोई हमारा प्लानिंग भी नहीं थी मेरे और मतलब मेरे हस्बैंड की, मतलब इशू थी, प्यार में इशू बोलती हूँ उन्हें, तो कोई प्लानिंग नहीं था। तो मेरी एक महीने से मतलब काफ़ी कुछ बहुत चेंज लग रहे हैं, मेरी हालत डाउन हो रही थी बहुत, मुझे वीकनेस हो रही थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी, और मुझे गैस का इशू बहुत ज़्यादा था। तो मेरे जो जैसे हमारा कलेजा होता है इस टाइम में, मुझे उस साइड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा मुझे गैस का इशू हो रहा था। तो इसीलिए फिर मैंने फाइनली सोचा नहीं, अब मुझे डॉक्टर को दिखाना है कि मुझे क्या परेशानी हो रही है। और मुझे काफ़ी वॉमिटिंग वाला, मतलब मुँह ख़राब होना, काफ़ी टेस्ट चेंज होना, तो मुझे काफ़ी सारे इशू नज़र आ रहे थे। तो मुझे मन में डाउट तो था, बट मुझे वो पूरा क्लियर नहीं था। मैं सोच रही थी शायद मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी, मैं तभी क्लियर हो पाऊंगी। तो वही मैंने सोचा, तो मैं गई थी डॉक्टर के पास। तो मैं गई 3 तारीख को, आज हो गई 6 तारीख, तो थोड़ा लेट हो गया वीडियो में। तो ये है डॉक्टर का पेपर, फास्ट चल रहे हैं, तो मैं उसमें अपने फास्ट भी नहीं छोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे फास्ट बहुत ज़्यादा पसंद है रखना, तो मैं अपने फास्ट नहीं छोड़ सकती हूँ, तो मैं अपने फास्ट भी रख रही हूँ। इसलिए प्रेगनेंसी में मैं डेली अपने फास्ट, मेरे पूरे फास्ट चल रहे हैं। अब आज हो गया हमारा 23वां रोज़ा हो गया है, तो मेरे फास्ट पूरे चल रहे हैं। एंड डॉक्टर ने काफ़ी चीज़ें अवॉइड करके बोला है मुझे, मेरी टी है वो मना कर दी गई है, कॉफ़ी है वो मना कर दी गई है, बट मुझे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं डेली रूटीन में कॉफ़ी लेती थी सैरी टाइम पे, मुझे कॉफ़ी चाहिए ही चाहिए। तो वो डॉक्टर ने बोला आप उसे अवॉइड करो, आपको उससे भी परेशानी हो सकती है, उससे आपको गैस का इशू ज़्यादा हो रहा है। तो फिर वो भी अवॉइड कर दिया गया, बोला है मिल्क लो आप, और मुझे मिल्क भी अच्छा नहीं लगता, मुझे स्मेल लग रही है मिल्क में। तो और मुझे वाटर पीने में भी, मतलब उसमें थोड़ी थोड़ी स्मेल लग रही है। जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, मुझे उसमें घी में जो घी था जिसकी मुझे उसमें महक लगती थी, मेरा घी बिल्कुल छूट गया था। तो अभी तो मुझे तीन तारीख को मालूम पड़ा, तो आज 6 तारीख हो गई है। तो और डॉक्टर ने बोला कि 1.5 महीना होने ही वाला है, और मुझे 1.5 महीने से मुझे कुछ भी पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं। तो वही और डॉक्टर ने दी है मुझे मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा लेजी टाइप में हो रही थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। तो मुझे हल्का सा फीवर भी था, तो मैंने सोचा शायद ये वायरस चल रहा है, मुझे इस तरह का इसका तो इशू नहीं हो गया। तो मुझे और टेंशन हो गई, तो मैंने कहा नहीं, अब तो मुझे डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है, और मुझे क्या परेशानी है, तभी मैं मेरा जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। तो डॉक्टर ने मुझे दी पैरासिटामोल, ये तो मैंने इसमें सिर्फ 1 टैबलेट लिया है, और मुझे अब बिल्कुल आराम है, मुझे कोई फीवर नहीं है। तो एंड डॉक्टर ने मुझे ORS का बोल दिया कि आप इसे लो, क्योंकि वाटर की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, क्योंकि आप फास्ट रख रहे हो इसीलिए। एंड गैस का इशू तो मेरे को बहुत ज़्यादा रहता है, तो गैस के लिए मुझे ये टैबलेट दी है। एंड ये है, एंड ये दी है, ये मुझे जो टैबलेट दी है ये विटामिन की होती है, इसे मुझे 3 महीना कंटिन्यू लेना ही लेना है, इसके बाद डॉक्टर चेंज करेगा। तो ये मुझे डेली पर डे 1 लेनी है, तो मैं इसे डेली ले रही हूँ। तो और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, कोई प्लान नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं थी सडनली बस। तो बाकी घर में सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो वही इसलिए तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँगी। मेरी ये सेकेंड प्रेगनेंसी है, एंड अमायरा मेरी सो रही है, मैं दिखाती हूँ आपको।
रेस्ट दो दिन, नहा लिया, फूड ईट कर लिया एंड अपने आप कार्टून देखते देखते अपना और सो गई है। वो तो अभी तक सो ही रही है और प्लस लाइट भी चली गई है और इन्वर्टर चल रहा है, तो बाकी बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर एंड बिजली भी कड़क रही है बहुत ज़्यादा। तो गाइस मैं बाकी अब मेरा डॉक्टर ने मुझे नेक्स्ट बुलाया है जब मेरा अल्ट्रासाउंड होगा वो भी मैं आपसे में शेयर करूँगी, अपनी पूरी प्रेगनेंसी स्टोरी जो होगी मैं पूरी एंड तक वो पूरी आपसे में शेयर करूँगी। तो अगर आप भी आप में आप लोग जैसे भी कोई मेरे ऐसी प्रेगनेंसी है तो प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, टाइम से फूड लें, टाइम से हर चीज़ लें, रूटीन अपना बिल्कुल चेंज कर दीजिए, और क्योंकि अब आपको अपना नहीं अपने साथ में बेबी को भी ध्यान रखना है तो बहुत ज़्यादा। एंड ये सबसे ज़्यादा है कि मैं प्रेगनेंट हूँ, फास्ट में रोज़े चल रहे हैं, मुझे रोज़े रखना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं अपने रोज़े बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ और इस बार इंशाल्लाह मेरे सारे रोज़े पूरे हुए हैं क्योंकि तो वरना छूट जाते हैं वो, बट मैं पूरे ही रखती हूँ अपने, छूट जाते हैं तो बाकी मैं पूरे भी कर लेती हूँ। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर देना, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसके विषय में आप तक जरूर पहुँचे। ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपने लेकर दूँगी और मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी आपसे में शेयर करूँगी। मैं फर्स्ट नहीं कर पाई क्योंकि तब तो मेरा कोई चैनल ही नहीं था, कोई ब्लॉग ही नहीं था, तो मैंने सोचा बहुत सारी चीज़ होती है, बहुत लेडीज़ के लिए लेडीज़ की बॉडी बहुत सारे चेंज आते हैं, काफ़ी चीज़ें बहुत चेंज आती हैं और मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जी। अब मुझे बहुत मेरी बॉडी ऐसी हो रही है बहुत लेजी, मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ, मैं बहुत थक जा रही हूँ, मुझे मतलब थोड़ा सा मैं काम कर रही हूँ फिर लेट जा रही हूँ, थोड़ा सा काम कर रही हूँ फिर लेट जा रही हूँ, मैं इस तरीके से काम कर रही हूँ, बट मैं काम भी करना है तो मैं काम को भी नहीं छोड़ सकती अपना, बेबी मुझे देखना है अपना, तो मैं सब चीज़ कर रही हूँ। तो गाइस अगर आपको मेरी ये जो मैं शेयर की है आपसे आपको अच्छी लगी, ऐसी मैं पूरी प्रेगनेंसी आपसे में शेयर करूँगी। अब नेक्स्ट डे जब मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी अल्ट्रासाउंड के लिए तब मैं आपसे शेयर करूँगी अपना। डेली जो रूटीन बताया मैं डेली वॉक करने जाती हूँ, तो मैं वॉक करने भी गई थी तो जो मेरी फ्रेंड है जो मिलती है मुझे वॉक करते टाइम, तो वो मुझसे बोल भी रही थी कि दी आप मुझे पहले से हेल्दी लग रहे हो, तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने तब मुझे पता ही नहीं था कुछ भी और मैंने इतना गैस भी नहीं किया था, मैंने कुछ भी नहीं मुझे पता था उस वक्त, तो फिर मुझे लगा अच्छा, तो फिर मैंने कहा तो मैंने काफ़ी दिनों बाद देखा है ना, मैं अपने मायके गई थी तो मैं सुना लाई हूँ इसलिए हेल्दी लग रही हूँ शायद, तो इसीलिए। गाइस मैं एक चीज़ बताना भूल गई आपको कि जब मैं डॉक्टर के पास गई थी ना, तो जब डॉक्टर ने मुझे किट दी ना चेक करने के लिए, तो मतलब मेरे माइंड से एकदम स्लिप हो गया कि उसको चेक कैसे करनी है, मतलब इतना ऐड दिखाते हैं टीवी में भी और मतलब हम सभी को वो चीज़ मालूम होती है, बट मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या करूँ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी बहुत ज़्यादा। ऊपर से फिर मैंने डॉक्टर से डॉक्टर से कैसे चेक करेंगे, डॉक्टर ने मुझे बताया कि इसे ऐसे चेक करेंगे, तो फिर डॉक्टर ने कहा अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है एंड और तो बल्कि मेरी मम्मा तो मुझे मना भी कर रही थी कि बेटा रोज़े मत रखो, बट मुझे रोज़े रखना बहुत ज़्यादा पसंद है और मतलब मैं रोज़े रखती हूँ प्लस सारा काम भी करती हूँ और प्लस बाहर से मैं मुझे शॉपिंग भी करनी होती है, सामान लेने जाना होता है, कुछ भी हो गया फल फ्रूट हो गया सामान हो गया तो मैं कुछ भी लेने जाती हूँ, तो मैं वो सारे काम करती हूँ बट आराम आराम से कर लेती हूँ, बट यह है कि मैं कोई टेंशन भी रहती है कि मैं फास्ट रख रही हूँ मेरी बेबी के कुछ मतलब इसमें कुछ टेंशन तो रहती है, मगर फिर भी फास्ट में नहीं छोड़ रही हूँ, मुझे फास्ट रखना बहुत ज़्यादा पसंद है, अभी तक तो माशाल्लाह पूरे चल रहे हैं और इस बार तो मेरे पूरे ही होंगे, तो कल हमारा अल जुमा है तो देखते हैं ईद, तो बाकी मैं अपना पूरा मेरे ब्लॉग जो है वो आपको शेयर करूँगी जब नेक्स्ट डॉक्टर के पास जाऊँगी, तो मम्मा को वो भी शेयर करूँगी, तो मम्मा को तो मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा टेंशन है, मैंने उनको बताया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई है, तो वो मना भी कर रही मुझे रोज़े रखने के लिए, बट मैं रोज़े नहीं छोड़ रही हूँ, मैं रोज़े पूरे रख रही हूँ अपने, तो फास्ट तो मेरे फेवरेट है तो मैं फास्ट जरूर पूरा करती हूँ, तो बाकी टाइम से अपना मेडिसिन ले ली मैं और मैं प्लस ये कि मेरे पेन बहुत ज़्यादा है, टमी के जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, टमी के जो ऊपर होता है वहाँ मुझे गैस का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे मैं ज़्यादा तो बैठ नहीं पा रही तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बट शेयर करूँगी आपके सामने।